सो वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल गौरव एंड शुश। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। काफी टाइम से मैंने वीडियो नहीं डाली है और मैं सोच रहा था कि मैं एक नेक्सॉन के कुछ पार्ट्स के बारे में आपको बताऊं, जो लोग नए हैं उन लोगों को पता लगे कि मुझे नेक्सॉन क्यों बेटर लगी, क्यों ठीक लगी और क्या रीजन है। तो आज मैं आपको जो मेरा आज का वीडियो है ये केवल इसके 3 मोड्स के ऊपर है। इसमें 3 मोड्स का जो सिस्टम है बहुत ही मतलब बहुत अच्छा सिस्टम है वो, तो मैं आज आपको वो एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि मुझे गाड़ी लिए हुए शायद मैं जो 2 महीने हो गए ऑलमोस्ट। सो आई विल टेल यू कि क्या मैंने एक्सपीरियंस किया है उन 3 मोड्स के साथ, कैसे कब क्या यूज करना है। सो मैं आपको आज बताऊंगा। सो चलिए देखते हैं आगे। बाय बाय। सो गाइस ये है हमारी टाटा नेक्सॉन XMS मॉडल। और वैसे मुझे इसकी अभी इंटीरियर की वीडियोस भी बनानी है, मैंने बनाई नहीं क्या मैंने क्या कितने का लगाया, कौन सा सीट कवर, क्या क्या मैट्स लगवाई, तो इसका वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। सो आज मैं जो डिस्क्राइब करने वाला हूँ उस नेक्सॉन के ऊपर वो है अबाउट दिस 3 मोड सिस्टम। देख सकते हैं आप, दिस इज इको मोड, दिस इज स्पोर्ट्स मोड, दिस इज सिटी मोड। सो गाइस सबसे पहले तो जैसे ही ये मोड्स का जो यूज है, आप पहले जैसे चाबी लगाएंगे, ये अपने चाबी लगाई और ये इसका डिजिटल स्पीडोमीटर है। सो जैसे आपने चाबी लगाई ये आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे, ये आपका ऑटोमेटिक सेट रहता है सिटी मोड। ये सिटी मोड है, ऑटोमेटिक सेट होता है सिटी मोड। जैसे आप गाड़ी को ऑन ऑफ करेंगे गाड़ी ऑटोमेटिक सिटी मोड पे चली जाएगी, चाहे आपका वो स्पोर्ट्स मोड पे हो, इको मोड पे हो, किसी भी मोड पे हो, तो गाड़ी आपकी सीधा सिटी मोड पे चली जाएगी जैसे आप गाड़ी को ऑन ऑफ करेंगे। सो इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। ये अगर आप सिटी में चला रहे हो तो आप सिटी मोड को रखियो, क्योंकि सिटी मोड में आपकी एक एवरेज पावर रहती है गाड़ी के अंदर, तो इस एवरेज पावर में ना तो आपको बहुत तेज फील होगा ना आपको बहुत स्लो फील होगा। बट जैसे मैं यहाँ पे ये इसको इधर को टर्न करता हूँ तो यहाँ देखिए यहाँ पे इको लिखा गया, तो ये इको मोड लिखा गया। जैसे ही आप मोड को चेंज करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक बीप आएगा ट्रिंग, सो इट मीन्स आपका मोड चेंज हो गया। यहाँ पे लिखा जाएगा आपने जो भी मोड लगा दिया है। इस इको मोड एक बहुत ही अच्छा मुझे इसका मोड लगा, बिकॉज आप गाड़ी को हाईवे में जब चलाओ तो आप इको मोड पे डाल दो और आप गाड़ी से बहुत अच्छा खासा एवरेज निकाल सकते हो। मैंने गाड़ी से अभी तक जो एवरेज निकाला, मैं ज़्यादा हाईवे पे तो नहीं गया हूँ, मैंने ज़्यादातर केवल ड्राइव पहाड़ों में ही करी है। सो हाईवे में मैं हार्डली 3-4 बार ही गया हूँ, तो मैंने वहाँ पे इस पे इनिशियली तो मैं इसका 20 से ऊपर नहीं निकाल पाया, 2019 फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम 2021 चला गया था, बट थर्ड टाइम जब मैं गया तो मैंने इसका 23 का एवरेज निकाला, 23 का एवरेज। सो गाइज ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर आप दिल्ली विल्ली या कहीं भी हाईवे पर चल रहे हो, अगर आपका आना जाना हाईवे पर है तो आप इस मोड को यूज़ करें और अपना पेट्रोल को अच्छे से बचाएं। आजकल पेट्रोल वैसे ही बहुत महंगा हो गया है। सो दूसरा मोड है इसका ये। अब मैं इसको यहाँ पे दोबारा टर्न करूँगा तो देखो बीप आई और ये स्पोर्ट्स मोड पे चला गया। ये देखो गाइस ये स्पोर्ट्स मोड पे चला गया, तो ये स्पोर्ट्स मोड पे चला गया। लेकिन अब ये स्पोर्ट्स मोड आपको तभी लगाना है जब आपको या तो किसी को ओवरटेक वगैरह करना हो, बहुत हाई पावर चाहिए हो गाड़ी में, तब आप इसको स्पोर्ट्स मोड पे लगा दीजिए। जैसे ही आप इसे स्पोर्ट्स मोड पे लगाएंगे तो गाड़ी एकदम रॉकेट बन जाएगी आपकी। सो मैं जब भी पहाड़ों में गाड़ी चलाता हूँ तो मैं इसे स्पोर्ट्स मोड पे डाल देता हूँ, बिकॉज वहां पे तो पावर चाहिए होती है, क्योंकि इको मोड पे आप पहाड़ों में नहीं चला सकते, आपकी गाड़ी मिसिंग करेगी, आपकी गाड़ी बंद होना चाहेगी, तो वो पावर फील आपको भी नहीं होगी, ठीक है। सो आप लोग जब भी पहाड़ों में ड्राइव करें या कहीं आपको अच्छी खासी स्पीड चाहिए हो तो आप इसे स्पोर्ट मोड पर डाल दीजिए। बट स्पोर्ट्स मोड पे क्या है कि गाड़ी आपका उतना अच्छा एवरेज नहीं देगी आपको, एंड एवरेज भी आपका ठीक ठाक ही आ जाएगा बट उतना अच्छा नहीं आ पाएगा। तो फिर आता है नेक्स्ट सिटी मोड। अब मैंने ये बटन दबाया, ये देखो सिटी मोड पे आ गया। सिटी मोड पे गाड़ी आपके मीडियम लेवल पे एवरेज देती है, लाइक आपका
13-14 ऐसे दे देगी गाड़ी आपको एवरेज सिटी मोड पर विदाउट एसी। बट मैं एसी में भी शायद 13.5 दे देगी अगर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, ज़्यादा नहीं है। बट स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी जब मैंने पहाड़ पे चलाई तो मुझे गाड़ी ने एवरेज दिया 9.5-10-11, इससे ऊपर नहीं दिया, इससे ऊपर अभी तक मुझे एवरेज नहीं दिया गाड़ी ने। मुझे इसका ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, इको मोड, स्पोर्ट्स मोड, सिटी मोड। सो इससे आप अपनी गाड़ी की पावर को, अपनी गाड़ी के एवरेज को अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं जैसा आप चाहें। बट आई थिंक अब ये फंक्शन मेरे ख्याल से ये चीज़ काफ़ी एक दो गाड़ियों में और भी आ रही है। तो और इस टाटा नेक्सॉन में एक और चीज़ बहुत अच्छी है, लाइक ये 6 गियर गाड़ी है, ये देखिए। सो जब भी आप इसे पूरा ऐसे करते तो ये आपका बैक गियर नहीं लगेगा, ये आपका 6 गियर लगेगा। अगर आपको रिवर्स गियर लगाना है तो इस पर यहाँ पे ये एक हल्का सा लीवर दे रखा है, ये इसको आप ऊपर खींचेंगे, आप ये देखिए ऊपर खींचेंगे फिर आप लगाएंगे तो अब ये आपका रिवर्स गियर लग गया। ये देखिए कैमरे में आ गया, अभी आपका रिवर्स गियर लग गया। सो गाइस, टाटा नेक्सॉन अच्छी गाड़ी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आपका इस रेंज में गाड़ी लेने का मन है कि 10-11 के आसपास, तो आप जा सकते हैं टाटा नेक्सॉन में, इट्स अ नाइस व्हीकल। सो गाइस, मेरा तो ये XMS मॉडल है, XMS मॉडल में आपको ये ऐसे स्टीयरिंग माउंट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे नहीं मिलता, यहाँ पे आपको केवल इससे ऊपर के मॉडल मिलता है, इसके ऊपर का मॉडल एग्जेड प्लस आएगा। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एग्जेड प्लस मॉडल ही लें, ठीक है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी। तो इस बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्यों, क्या, कैसे करना है। सो अदरवाइज बाकी गाड़ी बहुत अच्छी है, मुझे अभी तक ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। बाकी इसका ओवरऑल रिव्यू मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्या इसके प्रॉस और क्या इसके कॉन्स हैं जो मुझे फील हुए कुछ। सो फिर मैं आपसे भी पूछूंगा कि आपको भी ऐसा चीज़ें फील हुई है, कैसा लगा है। सो ठीक है गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम और ऐसी टाटा नेक्सॉन की ऐसी गाड़ियों के ऊपर वीडियोस बनाएंगे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको आपके साथ शेयर करेंगे, जो कोई भी जिस किसी के भी हमारी इन्फॉर्मेशन काम आ सके। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, प्लीज सपोर्ट करिए सो दैट हम ऐसे ही आगे वीडियोस अच्छी अच्छी बनाते रहें, थैंक यू सो मच। और हमारा कोई ऐसा नहीं है कि भाई क्या बोलते हैं, हमें अब हमारी गाड़ी अच्छी लग रही, तो हमें जो चीज़ अच्छी लगेगी मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, जो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे बहुत मैं डिसअपॉइंट रहा हूँ इस गाड़ी से, तो उसकी वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।